दो तीन सजेशन है। एक तो ये है कि मैं अपना इस पर तहफ़ुज़ात का इज़हार करता हूँ कि इजलास जो है बहुत लेट हुआ। तमाम हैदराबाद के जितने भी टाउन थे सब में इजलास हो गया, उसकी वजूहत चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारा सबसे लेट हुआ तारुफ़ी इजलास। दूसरा, जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं उनके साथ जो गैर इंसानी सलूक हो रहा है, मैं उस पर भी एक मुसम्मत इकरार पेश करना चाहता हूँ। और उस पर जो है हमें बिल्कुल एहतजाज करना चाहिए और बात करनी चाहिए। तीसरा ये है कि जो कमेटी की आपने बात करी इस पर बहस होनी चाहिए, इधर ही हाउस में बहस हो उस पर। और सबको पता हो कमेटियाँ कितनी है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे हमारी अक्सरियत है, हमने यहाँ पे बिला मुकाबला हम यहाँ से एक तरीके से आए, तो हमारी अक्सरियत और सारी कमेटियाँ हमारे पास ही आ रही हैं, तो पीपल्स पार्टी के पास या एम पी एम के पास तो जानी नहीं है। तो वो कमेटियाँ आपको पता है कितनी है, 15 हैं या 16 हैं या 18 हैं, जितनी भी हैं, वो अभी इसका फैसला करें उसका कि ये कमेटी और इधर बहस की जाए शफाफ तरीके से, जिस तरीके से एच एम सी के अंदर हुआ है हम इधर वो होने नहीं देंगे। बंद कमरों के अंदर जो कमेटियाँ बांटती हैं इंशाल्लाह वो तहरीर करवाएंगे, ये भी बता दूँ कि इंशाल्लाह वो एच एम सी में जो कमेटियाँ बनी उसको हम तहरीर करवाएंगे। तो ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं की होनी चाहिए जो कि वहाँ पे हो रही है, ना यहाँ पे कोई फ्रेंडली अपोजिशन होगी। जो बात होगी आपकी बात होगी हम आपके साथ होंगे, आपके कदम मिला के साथ होंगे, लेकिन जो बात गलत होगी उसमें हम सबसे बड़ा मुखालिफ में होगा आपका। ठीक है, करप्शन जीरो, करप्शन नॉट टॉलरेंस और करप्शन, करप्शन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो सरकारी हो चाहे मुंतखब हो चाहे वो रिजर्व हो, ये अपने जहनों में बैठा लें। ठीक है, इस पर जीरो टॉलरेंस है हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, और हम इस पर पावर कराएंगे बाकायदा, चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा उस पर। दूसरी, मैं उम्मीद करता हूँ जो आपने अभी हमें आज मुझे आज पता चला कि पी एस ओ ने हमारे काम कर रहा था, मेरा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रहते हैं मतलब फैमिली हमारा टर्म से है, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, मैं नहीं पता था कि ये सलेक्शन कैसे हुई, मुझे नहीं पता था। आप उम्मीद अली जुनेजो नहीं बनिएगा, उम्मीद अली जुनेजो करेक्टर का नाम है, उसको स्टडी कीजिएगा। उम्मीद अली जुनेजो वो था जिसको इमरान इस्माइल ने अपना पी एस ओ मुंतखब कराया, और उसने गवर्नर हाउस, इमरान खान का विजन था गवर्नर हाउस की दीवारें गिरानी है, उसने कारकुनों के लिए गवर्नर हाउस बंद कर दिया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप उम्मीद अली जुनेजो नहीं बनिएगा, ये करेक्टर है उसको स्टडी कीजिएगा उम्मीद अली जुनेजो। ठीक है, दूसरा हैस्को के ऊपर जो मसले मसाइल हैं, ठीक है हमारे डोमेन में नहीं आता हैस्को, लेकिन जो हैस्को ने जुल्म का जो एक रवैया अख्तियार किया हुआ, जुल्म के पार्ट तोड़े हुए हैं, उस पर हम शदीद मजम्मत करेंगे। और इस पर भी एक करारदाद जो अभी जो इन्होंने बिलों में इजाफा कर रहे हैं, लेट मीटर रीडिंग होती है और गैस की लोड शेडिंग, इसके ऊपर हम भले कुछ नहीं कर सकते लेकिन आवाज़ तो उठा सकते हैं, वो ज़रूर उठानी हमने आवाज़। तो मेरी ये है कि कमेटियाँ जो हैं वो हम आपको तब इख्तियार देंगे कमेटी का, पहले आप इस पर बहस की जाए, और कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो मुंतखब नुमाइंदा होगा, वो कोई रिजर्व सीट वाला ना होगा, कोई माजरत मेरी बात नहीं लगी, वो होगा मुंतखब नुमाइंदा। तो जितने भी हमारे वाइस चेयरमैन हैं उनमें से ही हम सेलेक्ट करेंगे, अपने चेयरमैन मेम्बर सब होंगे लेकिन चेयरमैन जो होंगे वो उसके मुंतखब नुमाइंदे होंगे। बहुत